प्रथम पूज्य गजानन जहां विघ्नहर्ता है वही रिद्धि सिद्धि से विवेक और समृद्धि के दाता भी है। इनके आशीर्वाद से शुभ और लाभ घर में सुख सौभाग्य लाते हैं और समृद्धि को स्थायी व सुरक्षित बनाते हैं। अगर आप संतान प्राप्ति, संतान संबंधी समस्याएं, अपयश और बदनामी के योग, कार्यों में अपूर्णता, कर्ज व धन संबंधी समस्याएं, शनि सहित सभी ग्रह दोषों से परेशान है तो 31 अगस्त 2022 इस गणेश चतुर्थी पर बप्पा करेंगे आपके दुख दूर, खुशियां गूंजेगी आपके द्वार। संपन्न करें अष्ट सिद्धि गणपति साधना, करिए साधना और मनाइए हमारे साथ श्री गणेश महोत्सव। इस साधना सामग्री में आप पाएंगे अष्ट सिद्धिदायक गणेश प्रतिमा, अष्टदायक सुपारी, भोजपत्र, अनार की कलम, हकीक पत्थर, माला। इस पूजन साधना से आपके घर का सुख सौभाग्य बढ़ता ही चला जाएगा और सभी रुकावटें होंगी दूर। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें और अपना पैकेट ऑर्डर करें 02912799900 2423265 2642625 9314728165 9829024729225 9314749222। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं श्री गणेश चतुर्थी स्पेशल कार्यक्रम। आज का विषय है गणपति बप्पा को घर लाने से पहले रख लें 10 बातों का विशेष ख्याल, वरना बिगड़ जाएंगे बनते काम। क्योंकि श्री गणेश जी हमारे विघ्न हर्ता हैं तो विघ्न कर्ता भी बन जाते हैं। और विसर्जन के बाद क्या करें, प्रिय साथियों आपको और आपके परिवार को आने वाली गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी जो कि 10 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसे हर घर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, विशेषकर हिंदू धर्म में और महाराष्ट्र में तो कहना ही क्या। इस मौके पर बप्पा के वस्त्र से लेकर भोग तक की सारी चीज़ें उनकी पसंद की ही हो तो बप्पा बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि गणपति स्थापना में बप्पा के भोग से लेकर श्रृंगार जैसी कई चीज़ें अहम होती हैं। ऐसे में गणपति स्थापना से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और यही सब लाए हैं आज के विशेष कार्यक्रम में। गणेश जी को कुछ चीज़ें बेहद प्रिय हैं, इन चीज़ों को पूजा में शामिल करने से बप्पा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो हो जाए तैयार, क्योंकि अगर आप बप्पा की इन चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे तो आपके घर ढेर सारी खुशियां आना तय है। मेरे प्रिय साथियों, अब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि गणेश चतुर्थी से अगले 10 दिनों तक गजानन जी की विशेष पूजा और फिर विसर्जन की क्या महिमा है। महाभारत ग्रंथ को लिखने का काम गणेश जी ने किया था, ये काम पूरे 10 दिन चला था। गणेश जी ने बिना रुके दिन रात महाभारत लिखी। माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन महाभारत लिखने का काम शुरू हुआ और इसके बाद महर्षि वेद व्यास जी ने गणपति जी को अपनी कुटिया में रखकर उनकी खूब सेवा की थी और साथ ही उनके मनपसंद व्यंजन बनाकर खिलाए। गणेश जी के शरीर के बढ़ते तापमान को नियंत्रण करने के लिए वेद व्यास जी ने उन्हें सरोवर में डुबाया, तभी से गणपति विसर्जन की प्रथा चली आ रही है। अब आइए किन बातों का ख्याल रखना है, उसमें पहली बात है वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी को विराजमान करने के लिए ब्रह्म स्थान यानी घर का जो बीच का हिस्सा है वो पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व कोना शुभ होता है। दूसरा, जिस स्थान पर भगवान गणेश जी की स्थापना करनी है उस जगह की अच्छी तरह से साफ सफाई करें, उसके ऊपर नीचे आसपास टॉयलेट की दीवार नहीं होनी चाहिए। साथ ही उस स्थान को गंगा जल और उसमें थोड़ी सी दूर्वा डालकर छिड़काव करें। किसी नदी के जल से, पवित्र जल से अगर आप वहाँ की साफ सफाई करते तो सबसे बढ़िया, और इसके बाद ही गणेश जी की प्रतिमा वहाँ विराजमान करने चाहिए। तीसरा, भगवान गणेश जी को स्थापित करने से पहले रौली कुमकुम से स्वास्तिक बनाना जरूरी है। गणेश जी का घर में स्वागत शंख और घंटी बजाकर करें। जब गणेश जी की मूर्ति लेने जाएं तो यह ध्यान रखें उनकी सूंड बाई और मुड़ी हो यानी लेफ्ट, और दाहिनी वाली सूंड में बहुत सारी पूजा पाठ होती है, बहुत सारे नियम कायदे कानून होते हैं, इसलिए आप उसमें न जाएं और बाई वाली सूंड का ही ख्याल रखें। अगली छठी बात है गणेश जी की मूर्ति को पूरा ढककर घर में लेकर आना चाहिए। सातवां, गणेश जी की ऐसी मूर्ति लें जिसमें वो बैठे हुए हों, उनके एक हाथ में अंकुश मोदक और एक हाथ में उनका टूटा हुआ दांत हो। साथ ही
एक हाथ आशीर्वाद देते हुए और उनकी सवारी चूहा होनी चाहिए। अगला, गणपति जी की प्रतिमा के पीठ के दर्शन कभी नहीं करें, ऐसा करना बहुत अशुभ होता है। गणेश जी पूजा में दूर्वा और लाल पुष्प और वो भी कनेर के शुभ होते हैं, तुलसी दल इनकी पूजा में नहीं रखना चाहिए। घर में उनके या घर में उन्हें एकांत में न रखें, उस हिस्से में अंधेरा न हो, भजन कीर्तन का वातावरण जरूर हो। घर में शराब, सिगरेट, गाली गलौज, गंदी बातें, ये सब नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, गजानन जी के विसर्जन के बाद कलश, लाल वस्त्र, जो भी सामग्री बची है उसे आप ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा के साथ डोनेट कर दें। आप सभी गणेश जी की स्थापना तो करते ही हैं, लेकिन कई बार स्थापना के समय लोगों से छोटी छोटी गलतियां भी हो जाती, क्योंकि आपको उन बातों की जानकारी नहीं होती, जिससे आप बप्पा के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। प्रिय साथियों, इससे पहले भी मैं 3-4 एपिसोड दे चुका हूँ, जिसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, आप उसे भी देखिए। आपको और आपके परिवार को गणपति बप्पा के आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसा मुझे विश्वास है। आज के लिए इतना ही, एक बार जरूर बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।